स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के ATM कार्ड का पिन कैसे जनरेट करते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर यही जानने वाले हैं। इनवेलप के अंदर से आपको ATM कार्ड निकाल लेना है। मैंने ATM कार्ड अपना निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमें अपने स्मार्टफोन के अंदर YONO SBI ऐप को ओपन करना है। ATM कार्ड का पिन बनाने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला है आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना होता है। उसके बाद आपका ATM कार्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ATM कार्ड जितने भी SBI के आते हैं वो सारे डीएक्टिवेट करके भेजे जाते हैं। तो पहला तरीका जो है वो ब्रांच विजिट करके इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिव हो जाने के बाद आपको किसी भी SBI ATM कार्ड मशीन के अंदर जाना है और वहां पर अपना ATM कार्ड लगा करके पिन जनरेट करना होता है। और दूसरा जो तरीका है वो है हमारा YONO SBI ऐप। ये काफी इजी है, आपको अपना YONO SBI ऐप लॉगिन कर लेना है। जो भी आपने पिन बनाया है वो पिन डाल करके यहां पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो होगा और जितना भी बैलेंस होगा वो शो होगा, ब्रांच कौन सी है वो सारा कुछ यहाँ पर शो होगा। ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपको इनको कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर जो है आपको माई डेबिट कार्ड का ऑप्शन ढूंढना है, ये आ गया माई डेबिट कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा कार्ड वगैरह जो है वो शो हो जाएगा, जो भी आपके पास कार्ड होगा। आपको कार्ड नंबर मैच कर लेना है, लास्ट के 4 डिजिट हैं 7757। और यहाँ पर हमारा कार्ड देखेंगे 7757। अब यहाँ पर इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे के साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्टिवेट कार्ड, राइट साइड में सबसे नीचे, इस पर क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कार्ड रिसीव हो गया है, तो यहाँ पर हम यस करेंगे। अभी यहाँ पर हमें अपना कार्ड नंबर डालना है पूरा। कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसके ऊपर OTP आएगा, यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको सबमिट करना है। आपका कार्ड जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। गो टू रिलेशनशिप्स पर क्लिक करेंगे। अभी हमने यहाँ पर पहले एक्टिवेट कार्ड के ऊपर क्लिक किया था, अब हमें उसी के साथ में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेट रीसेट ATM पिन, इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें एक अपना पिन क्रिएट करना है, जो भी आपको याद रहे पहले ऊपर डालेंगे, उसके बाद में कंफर्म में वही सेम पिन डालेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। पिन हमारा सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है, मैसेज भी हमें आ चुका है। अभी आप अपने ATM कार्ड को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं अपने पिन के साथ में। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा किस तरीके से इसको एक्टिवेट करना है और किस तरीके से पिन को सेट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को ना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी।